डॉक्टर साहब, मेरा लिंग पहले से ही छोटा है, उसके लिए हजारों रुपये खर्च करके दवा ली, फायदा मिला नहीं। हस्तमैथुन के समय कड़ा होता है, लेकिन मुझे डर है कि औरत श्रृंगार में संतुष्ट होगी या नहीं। कई पुरुष समझते हैं अपना लिंग छोटा है, ये तो गलत धारणा है। जब लिंग कड़ा होता है, मन में लैंगिक भावना उठने पर लिंग खड़ा होता है, उतना ही नहीं हस्तमैथुन करता है, वीर गिरता है, ये सब रहने पर हस्तमैथुन के बारे में यार किसी के बारे में चिंता नहीं, ऐसे ही लिंग के बारे में चिंता ही नहीं। कई पुरुष समझते हैं उनका लिंग छोटा है, दे समझे लिंग एक गधे के जैसे एक घोड़े के जैसे पुतना रहना चाहते हैं। मनुष्य तो गधे नहीं घोड़े नहीं, गधे को तो बड़ा होता है, घोड़े को तो बड़ा होता है, लेकिन मनुष्य को ऐसा नहीं रहेगा, इज मनुष्य। इसलिए पुरुषों को लिंग कितना परिमाण में होता है, 2 इंच से 4 इंच के बीच में होता है, 2 इंच 3 इंच या 4 इंच होता है। 2 इंचेस वाला लिंग जब खड़ा होता है वो तो 5 इंच बनेगा 6 इंचेस बनेगा, कुछ लोग 4 इंच ही बनेगा। 4 इंचेस वाला जो लिंग भी जब खड़ा होता है तब भी वह 5 इंचेस होता है 6 इंचेस होता है। इसलिए लिंग का परिमाण कितना है इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। क्या चाहिए, मन में तो श्रृंगार की भावना उठती है या नहीं, ये सोचना पड़े। मन में श्रृंगार की भावनाएं उठने से और उस समय लिंग खड़ा होता है, तो यदि कोई पुरुष अस्तमयन करता है तो वीर गिरता है तो समझना सब कुछ नॉर्मल। इसे लिंग का परिमाण कितना है उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। लिंग का परिमाण बहुत तो इसके नहीं इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट क्या है, लिंग खड़ा होता है नहीं, मन में लैंगिक भावना उठते हैं नहीं, मन में लैंगिक भावना उठने के बाद लिंग खड़ा होता है नहीं, लिंग खड़ा होने के बाद हस्तमैथुन करता है नहीं, यह तो इम्पॉर्टेंट है। लिंग का परिमाण इम्पॉर्टेंट नहीं, उसके बारे में सोचा मत। लिंग कितना हो कितना भी हो, लेकिन एक ही बात समझना, श्रृंगार की भावनाएं मन में उठते हैं नहीं, लिंग खड़ा होता है नहीं, अस्तमय करता है नहीं, यह तो काफी है। वो तो होता तो अच्छा, उसके बिल्ले लिंग के परिमाण के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन पुरुषों में लिंग का परिमाण के बारे में जो जिस प्रकार की चिंता है उसको लेकर के कुछ धोखेबाजी वैद्य उनको दवा के नाम पर हजारों रुपए देख लेते हैं। कोई भी दवा किसी प्रकार की दवा लिंग का परिमाण को बढ़ाएगा नहीं। लिंग का परिमाण को बढ़ाने के लिए कोई भी दवा बोलता है वह धोखेबाज वाला है। इसलिए लिंग को परिमाण को बढ़ाने के लिए कोई दवा नहीं, जो कोई बोलेगा तो वह धोखेबाज वाला है, उसके बारे में उसको दूर रखना है। और कुछ वीडियो के लिए 18 करोड़ ऊपर के व्यूज हासिल किए डॉक्टर समरम मल्टी चैनल नेटवर्क समर्पित सुख संसार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। प्लीज डाउनलोड समरम मल्टी चैनल ऐप एंड वॉच योर फेवरेट चैनल्स फ्रॉम योर मोबाइल। ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल्स।